हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि YouTube चैनल कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें YouTube पे जाना होगा। तो उसके लिए आप सेलेक्ट कीजिए YouTube.com। YouTube पे जाने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन ऑप्शन दिखता होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद कोई भी एक गूगल अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। इतना याद रखिए, बिना गूगल अकाउंट के यूट्यूब चैनल नहीं बनेगा, क्योंकि यूट्यूब जो है गूगल का ही एक सर्विस है और वो सर्विस चलाने के लिए गूगल अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आपके पास कोई गूगल अकाउंट नहीं होगा तो अलग से एक बना दीजिए। कोई भी अपना एक गूगल अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, उसमें पासवर्ड एंटर कीजिए। पासवर्ड एंटर करने के बाद नेक्स्ट दबाइए। सो आपने गूगल अकाउंट तो डाल दिया है यूट्यूब में। अब आपको क्या करना है, आपको आपका चैनल क्रिएट करना है। सो यहां जाके आपको ऑप्शन दिखता होगा क्रिएट अ चैनल, उस पे जाइए। क्रिएट अ चैनल के बाद आपको बताएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या नाम चाहिए। जो नेम होगा ना, ये सिर्फ यूट्यूब पे ही दिखेगा, बाकी जो सर्विसेज गूगल प्रोवाइड करता है उस पे नहीं दिखेगा। जो भी आपको चैनल का नाम रखना है वो रख दीजिए। नाम के बाद आप एक पिक्चर चाहिए तो अपलोड कर सकते हो, वो आप आगे जाके भी अपलोड कर सकते हो, कुछ इश्यू नहीं होगा। सो यहाँ जाके एक फोटो ले लीजिए कोई भी, जो आपको लगता है कि आपके चैनल को बेटर वे में रिप्रेजेंट कर पाएगा। सो मैंने एक फोटो सेलेक्ट कर दिया है। सो फोटो सेलेक्ट करने के बाद आप देख लीजिए कि कैसे आपको क्रॉप करना है, उसके बाद डन कीजिए। सो मैंने चैनल का नाम रख दिया है विज्ञान गुरु, एंड मैंने एक प्रोफाइल पिक भी अपलोड कर दी है। सो इसके बाद आप जैसे क्रिएट चैनल करोगे तो यूट्यूब के जो टर्म्स एंड सर्विस है आपको सब फॉलो करना होगा। तो क्रिएट चैनल कीजिए। अभी आप देखोगे कि आपका चैनल क्रिएट हो गया है, बट अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है। आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको कस्टमाइज चैनल में जाना है, आपको डायरेक्टली यूट्यूब स्टूडियो पे लेके जाएगा। कंटिन्यू कीजिए कि आपको आपका चैनल लाइक कैसे प्रेजेंट करना है आपके ऑडियंस के लिए, के लेआउट कैसा दिखेगा, ब्रांडिंग कैसी होगी। हमने अभी तक मैंने बैनर इमेज नहीं डाला है, वो आप आगे जाके डाल सकते हो बैनर इमेज एंड वो सब। अभी तक सिर्फ मैंने मेरा प्रोफाइल पिक डाला है, जो कभी भी रिमूव हो सकता है। ठीक है, उसके गाइडलाइन सब दिए हुए हैं कि कौन से फॉर्मेट में चाहिए एंड कितना उसका साइज होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये आपका बैनर इमेज है। बैनर इमेज भी ऐसा होना चाहिए कि वो ऑडियंस को कुछ बता रहा है कि आपका चैनल एग्जैक्टली किसके बारे में है, मतलब आप क्या बताना चाहते हो आपके चैनल के थ्रू। बहुत लोग ऐसा होते हैं कि स्टार्टिंग में आपका वीडियो ना देखे, सिर्फ आपका प्रोफाइल पिक एंड आपका बैनर इमेज देखेंगे। इसके बाद आप बेसिक इन्फो पे आइए। सो ये बेसिक इन्फो में क्या है, यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो आपका चैनल का नाम है, जो आप आगे जाके बदली भी कर सकते हो। आगे जाके आपको एक डिस्क्रिप्शन डालना है, छोटा सा एक अबाउट सेक्शन होगा। या तो आप लिख सकते हो अपने बारे में, लिख सकते हो अपने चैनल के बारे में, लिख सकते हो कि एग्जैक्टली आपका चैनल जो है किस क्या कंटेंट प्रोवाइड करने वाला है ऑडियंस के लिए। तो मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन तो भर दिया है, तो अब आगे जाके आप देख सकते हो, ये सब आप कभी भी चेंज कर सकते हो आगे जाके। उसके बाद आपका एक ऑलरेडी यूआरएल है, स्पेसिफिक यूआरएल है जो क्रिएट किया हुआ है आपके चैनल के लिए। हाँ, अब ये नेक्स्ट पॉइंट है लिंक्स के लिए। अगर आपका चैनल लेट से दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल प्लेटफॉर्म्स है जहां का लिंक आप डाल सकते हो इसमें एड लिंक में। यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो, डायरेक्टली यूआरएल फिल कर सकते हो। लास्ट में आता है कॉन्टैक्ट इन्फो। कॉन्टैक्ट इन्फो इनकेस आपको कोई बिजनेस रिलेटेड कुछ इंक्वायरीज किसी को रहेगी, या किसी के साथ लाइक आपको बिजनेस करना होगा, तो उसके लिए आप या तो ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, वो सबसे बेस्ट वे होगा। आप इसे पब्लिश पे क्लिक कीजिए। सो पब्लिश हो गया है, आप व्यू चैनल पे जाइए। तो पब्लिश करने के बाद आप डायरेक्टली देख सकते हैं होम पे मेरा प्रोफाइल पिक दिख रहा है, मेरा चैनल नेम दिख रहा है। अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन भी आपको दिख जाएगा, जो मैंने अभी जस्ट ऐड किया है। आप अपना जो भी पहला वीडियो रहेगा वो अपलोड कीजिए एंड अपना चैनल को स्टार्ट कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड जितना हो सके अपने सोशल सर्कल में शेयर कर दीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, जिससे आप फ्यूचर में कोई भी वीडियोस आएंगे ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।